आज की सबसे बड़ी खबर सामने आई है, टाटा सन्स अब एयर इंडिया की नई मालिक होगी। बता दें कि कंपनी ने सरकारी एयरलाइंस के लिए सबसे अधिक 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है और इसी के साथ टाटा सन्स के पास देश में 3 एयरलाइंस होंगी। बता दें कि शुक्रवार को सरकार की ओर से एयर इंडिया ने नया महाराजा टाटा सन्स को चुने जाने की मनादी कर दी। सरकार के विनिवेश कार्यक्रम की जिम्मेदारी देखने वाले विभाग DIPAM के सचिव तुहिन कांत पांडे और नागर विमानन मंत्रालय सचिव राजीव बंसल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। बोली के दौड़ में टाटा सन्स के अलावा स्पाइस जेट के अजय सिंह के नेतृत्व वाला कॉन्सोर्टियम भी शामिल था। इस दौरान एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। वहीं दौड़ में शामिल अजय सिंह के कंसोर्टियम ने 15,100 करोड़ रुपए की बोली लगाई। इस तरह टाटा सन्स ने 2900 करोड़ रुपए से ज़्यादा के अंतर से एयर इंडिया के मालिकाना हक के लिए लगाई बोली को जीत लिया और एयर इंडिया को अपने नाम कर लिया। एयर इंडिया का मालिकाना हक मिलने के बाद नए मालिक को इससे जुड़े नाम और लोगों को 5 साल तक संभाल कर रखना होगा। पांडे ने बताया कि टाटा सन्स चाहे तो 5 साल बाद एयर इंडिया के नाम और लोगों को ट्रांसफ़र कर सकती है, लेकिन इसमें एक शर्त रखी गई है कि ये नाम और लोग किसी भारतीय इकाई के व्यक्ति को ही दिए जा सकेंगे। कोई भी विदेशी व्यक्ति ये इकाई को हासिल नहीं कर सकता। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।